नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों क्या होगा यदि चीन भूटान पर आक्रमण करता है तो क्या भारत चीन के साथ पूरी तरह से युद्ध करेगा? दरअसल भारत ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और सभी जानते हैं कि चीन एक विस्तारवादी देश है और चीन अपनी दावा की गई भूमि को लेने के लिए किसी न किसी तरीके से प्रयास करता रहेगा। चीन काफी गुपचुप तरीके से काम करता है और डोकलाम को हिस्सा करने का उसका इरादा भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आसानी से पहुंचना था, जिससे कि चीन भारत के और ज्यादा करीब आ जाता और वो यहां से आक्रमण करके यानी कि चिकन नेक से आक्रमण करके सिक्किम को भारत से पूरी तरीके से काट सकता था। और ये तब हो सकता था अगर चीन डोकलाम में सफल हो जाता। और जब स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना का डोकलाम में, और अगर भारत पीछे हट जाता तो ऐसे में चाइना सर्दियों के महीने तक तो रुक जाता, लेकिन अगली गर्मियों में वो भारत पर हमला कर सकता था। और ये बात सच है कि डोकलाम समस्या को भारत ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। अगर वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो भूटान में पहले से ही हजारों भारतीय सैनिक और आर्टिलरी मौजूद है। ये देखते हुए कि भूटान और चीन दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ चुकी है और यहाँ पर भारत भूटान की रक्षा के लिए जिम्मेदार भी है। भूटान भारत के लिए एक हिमालयन चट्टान के रूप में काम करेगा चाइना के खिलाफ, और अगर चाइना भूटान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो इसका साफ मतलब ये होगा कि उसका युद्ध भूटान से नहीं बल्कि भारत से होगा, जो कि चीन के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। भारत अपनी नई स्ट्राइक कॉर्प्स के साथ, अपने पर्वतीय डिवीजनों के साथ तिब्बत में प्रवेश कर सकता है, जबकि चीन सिर्फ अपने आप को यहाँ पर बचाने की कोशिश करेगा। और शर्त की बात है कि चीन मात्र 24 घंटे में बातचीत के लिए टेबल पर आने को मजबूर हो जाएगा। और सेवन सिस्टर्स को नियंत्रित करने के लिए भारत को नेपाल और भूटान के साथ बेहद अच्छे संबंध रखना आवश्यक है। हालांकि नेपाल भी भारत को आंख दिखाना शुरू कर चुका था जब वहां पर केपी शर्मा ओली की सरकार थी और उसने चाइना के पक्ष में ही जाने का फैसला किया। भले ही अब सरकार बदल गई हो, लेकिन हमें नेपाल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल से चाइना एक नया मोर्चा खोल सकता है। इसीलिए भारत को अपनी विदेश नीति में नेपाल और भूटान के साथ और ज्यादा मजबूत रिश्तों की जरूरत है, क्योंकि नेपाल भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करता है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से जो संकट की स्थिति पैदा हो गई है, उससे अब बाहर निकलने के लिए भारत संघर्ष कर रहा है। दरअसल भूटान और नेपाल भारत के बंगाल उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भारतीय मुख्य भूमि के लिए प्राकृतिक सुरक्षा भी है। साथ ही चाइना कभी भी हिमालय को पार करके भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। भूटान के साथ भारत की संधि है। भूटान की विदेश नीति भारत के द्वारा निर्देशित होती है और भूटान की रक्षा भारत के नियंत्रण में है। और ये इतिहास है कि चीन कभी भी एक मजबूत दुश्मन पर हमला नहीं करता है, और उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा। पिछले 17 महीनों से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन की आदत है वो केवल छोटे और कमजोर राष्ट्रों को धमकाता है और डराता है, जैसे कि उसने दक्षिणी चीनी सागर में कर रखा है। भारतीय सुरक्षा बल मजबूत है, लेकिन सावधान इसलिए रहने की जरूरत है कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ अपने अपने मोर्चे खोल सकते हैं, वो भी एक साथ। तो दोस्तों आपने जाना कि भूटान पर चाइना चाहते हुए भी आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि भूटान पर आक्रमण करने का मतलब भारत के साथ लड़ाई मोल लेना है, और ऐसा जोखिम कभी भी चाइना नहीं उठाएगा। और डोकलाम विवाद के दौरान भी भारत ने उसको उसी की भाषा में जवाब दे दिया था। इसीलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भारत की रणनीति। दोस्तों आपको इस सिनेरियो के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।